तुम लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं और तुम लोग ये चाहते हो कि सपने तुम्हारे माँ बाप पूरे करें। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नेगेटिव सोच है, क्योंकि तुम्हारी उम्र ऐसी है, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जिसमें तुम ये चाहते हो यार हम भी थोड़ी पार्टी शार्टी कर लें, हम भी थोड़े मजे वजे कर लें, यार सो लोग घूमने जाते हैं हम भी घूमने जाएं, पता चला वो दोस्त वहां चला गया घूमने, पता चला वो दोस्त वहां चला गया, तो हम दूसरे को देख के क्या करते हैं ना, अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, फिर हम भाग के घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो घर के हालात देखते हैं, मम्मी पापा के पास इतने पैसे ही नहीं है कि हमारी ढंग से जो है कोचिंग के पैसे ही दे पाए, इतने भी उनके पास पैसे नहीं है कि हम दो चार किताबें फालतू भी खरीद लें। हम दो चार किताबें फालतू भी नहीं खरीदते, जबकि किताबें खरीदना तो अच्छी बात है, पढ़ोगे ही। हम भी तब ये सोचते हैं जितनी कम किताबों से काम चल जाए, क्या पता पीडीएफ से पढ़ लूं। मैंने बोला बेटा पीडीएफ से आंखें खराब होंगी, कहता है सर बुक का तो पैसा नहीं है, तो पीडीएफ से काम चला रहा हूं। तो बेटा आप इस हकीकत को समझो, तुम्हारा मन क्या करता है वो अलग बात है भाई, ये तुम पर बीती होगी, रिलेट कर पाएगा हर वो बच्चा जो वाकई में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो मेरे शब्दों को समझ पाएगा। चाहते तो तुम भी घूमना हो, चाहते तो तुम भी हो तुम्हारे पास भी बाइक हो, अपना मस्त बाइक से कोचिंग जाऊं, ठीक है, चाहते तो तुम भी हो चलो ऑनलाइन क्लास भी देख रहा हूं, महंगा जबरदस्त फोन हो, हेडफोन हो हेडफोन लगा के देखूं, तुम यहां ईयरफोन में जो है वो वायर जोड़ जोड़ के देख रहे हो, तुम्हें टेप लगाई हुई है अपनी ईयरफोन में, वो ईयरफोन पुराना हो चुका है, पूरा ईयरफोन टेप से जुड़ा 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 यूं है, ईयरफोन को उतार के ध्यान से रख रहे हो क्योंकि ये खराब हुआ तो दोबारा पैसे लाने के लिए नहीं है। मुझे पता है मेरे दोस्त तुम किन हालातों में हो, आसमान से मैं भी नहीं टपका हूं, हर कोई इंसान जमीन से उठाए तब जाके वो ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा इंसान बना होगा, और मेहनती इंसान जमीन से जुड़ा होता है मेरे बच्चे। तो कभी मत सोचना कि सर को ये बातें नहीं पता है या किसी और को ये बातें नहीं पता आप किन हालातों में। एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे हालातों में ही मेरे बच्चे हम थे, तुम्हारे जैसे हालातों में और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, बट मेरे बच्चे अंत बेहतरीन होगा, अंत वाकई में बेहतरीन होगा, और उस टाइम पे ये बातें तुम्हें याद आएंगी। तो बेटा उन ख्वाबों को आज ही आग लगा दो, ना 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 ना, उन ख्वाबों को जिंदा रखो, घूमेंगे मां बाप को साथ लेकर घूमेंगे, गाड़ी भी होगी बाइक भी होगी घर वाले भी साथ होंगे मौज मस्ती भी होगी, बट अपने बलबूते पर होगी मेरे पुत्र, क्योंकि मां बाप जितना तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो बहुत है मेरे पुत्र, और वो जी जान लगा दे रहे हैं उतना करने के लिए भी। कितना एक बार कभी ना दिमाग में आराम से शांति से बैठ के सोचना कि आखिरकार तुम्हारी मम्मी ने लास्ट टाइम कौन सी चीज नहीं खरीदी थी, सोचना, उस सोच में सोचना, तो पता चलेगा बेटा दिवाली पर भी नया नहीं लिया, हाँ तुम्हें जरूर दिला दिया, लास्ट टाइम सोचना पापा ने नया क्या लिया था। तो बेटा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ जाएगा, यार याद ही नहीं आ रहा क्या नया लिया था। तो बेटा उन्होंने भी अपनी सुख सुविधाएं त्यागी हुई है सिर्फ इसलिए कि तुम पढ़ लो, पढ़ के कुछ बन जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। यार अभी बिहार में बाढ़ आई हुई है, पानी है नीचे, बच्चा छत पे बैठ के पढ़ रहा है, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, वो तब भी पढ़ रहा है ऊपर छप्पर डाल के, ऐसे हालातों में बच्चा है, सबको हकीकत पता है। और इतिहास उठा के देख लो, आपको इतने सारे महान चेहरे दिख जाएंगे जो वाकई में वहीं से उठ के यहां तक पहुंचे हैं, यहीं से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप उनका इंटरव्यू सुनना कभी, वो आपको बताएंगे कि एक ऐसा टाइम था यार ट्रेन तक के भाड़े के पैसे नहीं थे, प्लेटफॉर्म पे सोकर जिंदगियां बिताई हैं उन्होंने, तब जाके इस ये मुकाम पाया। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये एक संघर्ष है, एक बार जी लो, आगे जीवन बहुत बेहतरीन आने वाला है, उसका सोच के आज की स्ट्रगल को अपने आप में सह लो, ठीक है, जियो स्ट्रगल में, मेहनत करो, जिस दिन सफलता मिलेगी ये स्ट्रगल दूसरों को भी बताना, ताकि दूसरों को भी हिम्मत लगे, दूसरों को भी हिम्मत मिले कि कोई भी महान इंसान बनने से पहले बेटा उसने बहुत स्ट्रगल किया होता है। तो आपके हालात क्या हैं वो सबको पता है, इस बात से बेफिक्र रहिएगा, इसलिए अपने सपनों को आग मत लगाओ, थोड़े टाइम के लिए उन्हें सपने ही रहने दो कि साकार करेंगे, ठीक है साकार करेंगे। और ये बात माँ बाप को भी बोलो कि हमें कोई गम नहीं है बाबा, इसी में संघर्ष करेंगे, ठीक है,
इसी में संघर्ष करेंगे और मुझे पता है आप मेरे लिए क्या सपने देखते हैं और आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत जो है कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो बेटा माँ बाप भगवान के समान होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी सीखे। मेरी हमेशा मोटिवेशन घूम फिर के हमेशा मैं कोशिश आपको यही करता हूँ, मेरे पुत्र माँ बाप की रेस्पेक्ट करो। माँ बाप वाकई में भगवान के समान नहीं, वो बेटा भगवान ही है। जो आपको बनाता है, जो आपको सींचता है, वो वाकई में ही आपका भगवान होता है, ये बात फैक्टफुल है। तो उस बात को रखिए मेरे पुत्र और मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे 100% सफलता मिलेगी। आई होप आपके जो दिमाग में है, क्योंकि इतने दूध पीते बच्चे भी नहीं हो कि तुम इन बातों को ना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे मालूम है तुम लोगों में से, अब आप बच्चा बोलता है सर माँ बाप की तो रेस्पेक्ट सब करते हैं, अरे मुझे सब पता है मेरे बच्चे, आप सबको भी पता है, हर कोई माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। और जो बच्चे माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बेटा लिख के ले लो, तुम इस दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। जिन्होंने अपनी जी जान लगा रखा है तुम्हें पालने के लिए, तुम उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम इस दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। बेटा अपनी फितरत को पहचानो, जो जो बच्चा है गलत संगत में उस संगत को बदलो। अभी मैं एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा था, तो ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, माँ बाप को डिसरेस्पेक्ट करते हैं और बाहर जाके दोस्तों की रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो 10-20 रुपए दे देते हैं। माँ बाप बेचारे जी जान लगा के बैठे हैं कि मैं 10-20 रुपए दूंगा नहीं, ये कमाना सिखाऊंगा इसे, तो वो चीज शायद तुम नहीं समझ रहे हो। तो बेटा संगत को बदलो, बुरी संगत से बचो, ठीक है। माँ बाप के जितना नजदीक रहोगे बुरी संगत से बचे रहोगे। मेहनत 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 बस मेहनत।